हेलो एवरीवन गाइस, हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। और गाइस, आज हम यहां पे सीखेंगे डिटेल तरीके से अपने इस चैप्टर नंबर 2, हिस्टोरियोग्राफी इन इंडियन ट्रेडिशन। ये जो हमारा आज का चैप्टर है, बहुत ही मजेदार टॉपिक आज का ये होने वाला है। ठीक है, चलो तो आज हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सीखना है अपने पूरे इस कंप्लीट टॉपिक को, जिससे कि हम लोग डिटेल में एकदम अच्छे सीख लेंगे। ठीक है, चलो। यहाँ पे सारे के सारे बच्चे अभी ध्यान देना। वेलकम वेलकम यू ऑल टू न्यू इंडियन एरा। माय नेम इज प्रशांत। सुबह के लेक्चर के बाद आज फिर से शाम को मिले हैं हम लोग, है ना? सारे के सारे बच्चे फटाफट एकदम ज्वाइन हो जाओ। वेलकम वेलकम गौरी वाडुरकर, वेलकम निहारिका, प्रणव, हाउ आर यू? महेश कैसे हो? लवकुश, कृतिका, हाउ आर यू? कोमल, आज है हिस्ट्री का सेशन। वेलकम ऋतुराज, कैसे हो? वेलकम नंदिनी, पूजा, करण, सोनू, अनिल, हाउ आर यू? कैसे हो? हर्षल, वेंकटेश, अशोक, विशाल, की हाल चाल है भाई? एकदम धमाकेदार तरीके से। वेलकम चांदनी, हाउ आर यू? वेलकम टू एवरीबडी। सारे के सारे लोग फटाफट मस्त ज्वाइन हो जाओ, फिर स्टार्ट करेंगे आज के इस प्यारे से सेशन को। वेलकम अपूर्वा, सिद्धि, वेलकम शिवाजी। आज पढ़ेंगे हम लोग अपने महाराष्ट्र की छोटी सी हिस्ट्री। ठीक है, सो टेंशन मत लो सारे के सारे लोग, बहुत ही मजा आ जाएगा आज इस सेशन में। ठीक है, चलो तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं आज के इस प्यारे से लेक्चर को। ठीक है, तो ये कौन है भाई? बीटीएस, किम जॉन, किम सेउ। ए भाई, इनका नाम पढ़ो रे भाई। किम नाम जून, किम सेउक जिन, मिन योंगी, चिंगी मुंगी, मुंगी काटली, जंग होसियोक, पार्क जिमिन, किमी तेहयेंग जियोन, जंग कोक, बीटीएस फॉर लाइफ। वाह 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 वाह, मौज कर दी तुम लोग ने। आज यही इतिहास पढ़ेंगे। देखो, हमारा भी इतिहास लिखा जाएगा, हिस्ट्री लिखी जाएगी कि 2021 के बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ के उनको देखते थे, जो जिनका आज तक हम लोग ने यही नहीं समझ पाए कि आखिर ये है कौन। क्योंकि फेस देखो तो कोई और लगता है, बाल देखो तो कोई और लगता है, टैलेंट देखो तो कोई और लगता है। ऐसे लोगों की बातें चलती है यहाँ पे। और एक सच्ची बात बताऊं, इन लोग को फॉलो करने वाले सिर्फ 9वीं 10वीं के बच्चे, 11वीं 12वीं का कोई बच्चा फॉलो नहीं मारता, क्योंकि वो मैच्योर होते हैं ना। ठीक है, चलो तो अब आगे निकलते हैं। अब आगे निकला जाए थोड़ा सा टॉपिक की तरफ थोड़ा सा रुख मोड़ लिया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सेशन ऐसा है यार, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सेशन ऐसा है कि सारे लोग सोचते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बिना पढ़े ही 90% निकाल लेंगे। सिर्फ साइंस जो है, साइंस और मैथमेटिक्स यही तो इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो कुछ होता ही नहीं है। वैसे मुझे क्या करना है, कहीं भी आओ, अगर आओगे भी तो साइंस में भी मैं ही पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ी रहे हो, एक चैप्टर खत्म कर दिया। तो चलिए, मैथमेटिक्स का लाइव का मैंने पूरा प्लान कर लिया है। सो लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं अब आज के इस प्यारे से सेशन की। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। ओके, हाउ इज द जोश? स्टार्ट करते हैं। जोश तो पूरा जा चुका है दिन भर में, 7:45 को कौन सा जोश। ठीक है, चलो। ये संस्कृत का क्या हुआ? वो नहीं आएगा, सॉरी। संस्कृत भी पढ़ाना चालू कर दूं मैं। यस, चलो। वेलकम शिवम, वेलकम नंदिनी, यस साक्षी, शेख, हजिक, वेलकम वेलकम अश्विन, अशोक। चलो चलो चलो, अब स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो ये है हिस्ट्री क्लास टेंथ, आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा। ओके,
चलिए अब शुरुआत करते हैं। यहां देखो सारे के सारे लोग कुछ लिख रहा हूं तो आ नहीं रहे क्या, गड़बड़ झाला का, एक मिनट असा कसा चालेल, मैं लिख रहा हूं तो आ नहीं रहा, तुम लोगों को दिख नहीं रहा है क्या? ओके जस्ट वेट अ मिनट। हाँ ओके तो गाइज आज यहां देखना है हिस्टोरियोग्राफी इन इंडियन ट्रेडिशन। ओके और एकदम डीपली एक्सप्लेन करेंगे भाई, फ्री लाइव क्लास लेक्चर नंबर 2 है, माय नेम इज प्रशांत, लेट्स बिगिन टुवर्ड्स द टॉपिक। चलो आगे बढ़ते हैं गाइज। मैं आप सबको बता दूं कि आप सभी लोग जीत सकते हो 10 लाख रुपए का इनाम, ठीक है, 10 लाख रुपीज का इनाम यानी स्कॉलरशिप जीत सकते हो। अगर आप IIT JEE NEET फाउंडेशन कैटेगरी है एक जो अनअकैडमी के अंदर चलती है, जहां पे जो IIT JEE NEET का फाउंडेशन होता है उसे बिल्ड किया जाता है, बेसिक चीजें बताई जाती है, यहां मैं भी तुम्हें टीच करता हूं, ठीक है। सो अगर आप लोग एक, हम लोग ने क्या किया है, बहुत बड़ा कॉम्बैट लॉन्च किया है जो कि अक्टूबर 3 को होने वाला है, 1 बजे होगा ये कॉम्बैट, 60 मिनट का पेपर होगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे, MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस वाले, और इन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लास 10th के बच्चे भी कर सकते हैं, क्लास 9th के बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात को ध्यान में रखना, अगर आप टॉप कर जाते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल का पूरा एक्सेस मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई फ्री में, विद नोट्स, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। जो रैंक 1 से 3 तक आएंगे क्लास 10th के बच्चों के लिए महाराष्ट्र बोर्ड, और जो रैंक 4 से 10 आएंगे उनको 75% छूट मिलेगी, रैंक 11 से 50 वालों को 50%, रैंक 51 से 100 वालों को 25% छूट मिलेगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो नून यहाँ पे अपने अनअकैडमी का, ठीक है, और उसके बाद आप लोग डाउनलोड करने के बाद अनअकैडमी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक में क्लिक करके आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर गाइस कोड मांगते हैं तो आप कोड यूज कर लेना कैपिटल लेटर NIE, क्या यूज करोगे, कैपिटल लेटर NIE, ठीक है, तो कैपिटल लेटर NIE ये कोड है हमारा, इसको आप लोग यूज कर लेना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज के अपने प्यारे से टॉपिक की तरफ। तो गाइस हमने अभी तक क्या सीखा था, हिस्टोरियोग्राफी इन मीडिया, अच्छा इसके पहले हमने पूरा एंशियंट टाइम पे जो हमारी हिस्ट्री थी हमने उसे पढ़ा था, जहां पे हम लोगों ने देखा था कि बिफोर कॉमन एरा के पहले, मतलब कॉमन एरा के पहले एंड आफ्टर कॉमन एरा, इन सभी के पहले क्या क्या हिस्ट्री थी, लोग किस तरीके से हिस्ट्री लिखा करते थे, और आज के टाइम पे लोग कैसे लिखते हैं, वो हमने कहां तक देखा था, हमने 700 AC तक देखा था, दैट इज कॉमन एरा 700 तक, जैसे डेट 1 से शुरू हुआ, डेट 1 के पहले भी तो दिन हुआ करता था, ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन डेट 1 था उसी दिन से सब कुछ चालू हुआ था। तो डे 1 जब डेट चालू हुई पहला दिन, उस दिन से 700 तक पूरा जो था एंशियंट वाला पार्ट माना जाता है, उसे एंशियंट हिस्ट्री मानी जाती है। आफ्टर 700 जो भी टाइम है, कहां तक, जो भी हमारे 1800 तक जो भी टाइम आता है वो सब का सब, या 1500 तक जो भी है, वो हमारा मेडिएवल पीरियड के अंदर आएगा। एंड आफ्टर दैट जब से ब्रिटिशर्स आते हैं इंडिया में, उसके बाद पूरा न्यू अपना जो हिस्ट्री है वो मानी जाती है। तो आज हमें यहां पे सीखना है मेडिएवल हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो एक बात गाइस ध्यान रखना कि हिस्ट्री आखिर क्या चीज है, व्हाट इज हिस्ट्री, इसके बारे में जानना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हर लेक्चर में यही बात बताता हूं। तो जो हिस्ट्री होती है इसमें तुमको क्या लगता है, सिर्फ कहानी सुन लो काम खत्म? ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझ लो, इसमें भी भाई थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है। हिस्ट्री ज्योग्राफी में भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट इसमें भी हैं। तो हिस्ट्री, आखिर हिस्ट्री का मेन कंक्लूजन क्या है, मैं आपको वो बताता हूं। हिस्ट्री इज नॉट लाइक दैट कि बस पढ़ लो पेपर में, लिख दो और पास हो जाओ, 90 मार्क्स निकाल लो। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कि इसके प्रीवियसली जो भी जैसा सिस्टम था, जो भी इवेंट हुए, जो भी फॉल्ट थे, जो भी गलतियां थी अपनी या किसी भी की, कोई भी रहे, कोई भी किंगडम हो या कोई भी सिस्टम हो, उन पुरानी चीजों से हम कुछ ऐसा कुछ नया चीज क्रिएट करें, या फिर ऐसी कोई नई सीख को सीखें जिससे कि हम फ्यूचर में वैसी गलतियां ना करें,
फ्यूचर में हम कुछ नई चीजें डेवलप करें जो प्रीवियसली नहीं था, लोगों के बारे में समझना, लोगों के बारे में पढ़ना कि पहले के जमाने के लोग लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ कैसे रहते थे और आज हम कैसे रहते हैं और फ्यूचर में हम कैसे रहेंगे, ये सब कुछ हिस्ट्री से सीखने मिलता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हिस्टोरियोग्राफी इन द मेडिएवल पीरियड, मतलब कि 700 सन के बाद, यानी 700 के बाद, ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है। चलो गाइज, मैं सभी लोगों को ग्रुप में ले लूंगा, कल सुबह 9 AM का लेक्चर में आओ। साइंस के लेक्चर में ही सिर्फ मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देता हूं और मैथमेटिक्स के लाइव लेक्चर में, ठीक है, बाकी किधर भी नहीं। तो क्योंकि ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है, वो सुबह क्रिएट कर लेता हूं ना, इसके लिए रहता है ऐसा। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब जरा यहां पे समझते हैं, मेडिवल हिस्ट्री की बात करेंगे। द स्टाइल ऑफ राइटिंग राज तरंगिनी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्हाना इन द 12th century CE इज क्वाइट क्लोज टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी। कल्हाना हिमसेल्फ सेज दैट ही रॉट दिस टेक्स्ट आफ्टर क्रिटिकली एग्जामिनिंग various sources like inscription, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local tradition. अब देखो इसके बारे में बताता हूं। एक राज तरंगिनी नाम की एक लिखावट है, एक लिखने का तरीका है, ठीक है, एक स्टाइल है राइटिंग की, जिसको कश्मीर के कल्हाना नाम के आदमी ने 12th century यानी 12th century आज से 800 साल पहले और कॉमन एरा में 1200th century में, ठीक है, उसने लिखी थी। वो कहता है कि ये जो भी मैंने लिखने का तरीका बताया है, ये तरीका मैंने ऐसे ही नहीं अंधाधुंधी लिख दिया है, जैसे साइंस वन में केपलर ने फोकट का रूल दे दिया, उसको खुद को नहीं मालूम है कि ये रूल का प्रूफ किधर से आया। ठीक है, तो यहां पे इसने रूल लिख दिया। ए भाई हर्षल मेश्रम, अरे बेश्रम बन रहा है भाई ये। हर्षल मेश्रम कहता है कि मला GF पाहिजे। अरे बाबा नाही रे बाबा, तुझ्याकडे GF आहे काय, याला माहित पण नाही, याच्याकडे GF ऑलरेडी आहे तरी पण याला पाहिजे, असं कसं चालेल। अरे बताओ कैसे, GF मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज अप्लाइड बाय अर्थ ऑन अस। तो ये इसके पास ऑलरेडी है बट स्टिल ही वॉन्ट्स। चलो कोई नहीं, अलग से दे दो भाई, पकड़ो इसको जल्दी। चलो कोई नहीं, लेट्स बिगिन। तो गाइस, जो कल्हाना थी उन्होंने खुद कहा कि मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, राज तरंगिनी नाम की जो स्टाइल बताया नहीं, ऐसे ही नहीं बताया, बहुत सी इंस्क्रिप्शन जो पेड़ जो होने का स्टोन में लिखे होते हैं ऐसा उकेरे जाते हैं, बहुत से पुराने जमाने के क्वाइंस, बहुत से ऐसे एंशियंट मॉन्यूमेंट्स और बहुत से ऐसे डिनेस्टिक रिकॉर्ड्स, यानी कि वंशावली वाले जो नहीं का वंशज होता है वो डिनेस्टी के रिकॉर्ड्स और बहुत से लोकल ट्रेडिशन को देख के मैंने राज तरंगिनी लिखा है। मराठी मध्ये पण ऐकून घ्या, मध्ययुगीन काळातील इतिहास लेखन, इसवी सनाची 12व्या शतकात कल्हण याने लिहिलेले राज तरंगिणी हा काश्मीरच्या इतिहासावरील ग्रंथ आहे। इतिहास लेखन शास्त्र शुद्र कसे असावे याच्या आधुनिक संकल्पनेशी हा ग्रंथ जवळचे नाते सांगतो। त्यामध्ये अनेक कोरीव लेख, नाणी मतलब सिक्के, प्राचीन वस्तूने अवशेष, पुराने जमाने के जो बचे हुए फॉसिल्स, राजकुलांच्या अधिकृत नोंदी, यानी कि जो नहीं क्या कॉपी रहती है पुराने जमाने के वंश की, आणि स्थानिक परंपरा अशा अनेक साधनांचा चिकित्सक अभ्यास करून आपण हा ग्रंथ रचला असा उल्लेख कल्हाने केला आहे। तो ये आपको समझ में आ गया, एकदम सिंपल सा, ये मेडिवल हिस्ट्री की बात चल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानते हैं, आपको एक बहुत ही बड़े अरेबिक जो इंसान, एक आदमी था अरेबियन वहां का, अरब बिरब का कोई तो था यार, जिसका नाम अल बरूनी है, इनका नाम हम बहुत बार सुन चुके हैं, एक इब्न बतूता है और अल बरूनी, ये दोनों बहुत बड़े बड़े लोग माने जाते हैं यार, जो अरेबिक थे, अरब के थे, ठीक है, लेकिन वो जो नाचते हैं कैसा, तो डिंग 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 डिंग, तो इनको ना इंडियन नॉलेज के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बताया। इन द फॉलोइंग पीरियड मेनी बुक्स अबाउट इंडिया वर रिटन बाय फॉरेन स्कॉलर्स, अमंग देम टू नेम अ फ्यू, ये सब उर्दू लिखा है, उर्दू मारे को आती नहीं है, ठीक है, अमंग देम टू नेम अ फ्यू आर हसन निजामी, तजुल मासिर, मिनहाज सिराज, तबाकत ए नासिरी, वेरियस वर्क्स बाय आमिर खुसराव, ठीक है, तुज्जू का तिमूरी, तुज्जू की तिमूरी, नहीं नहीं तिमूरी,
लैक्टोबैसिलस क्रीमोरी चैप्टर नंबर 7 साइंस 2 क्लास 10 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड लैक्टोबैसिलस क्रीमोरी, तो ये तुज्जू की तिमोरी का नाम सुन के मेरे को लैक्टोबैसिलस क्रीमोरी याद आ गया जिसके थ्रू हम लोग चीज का प्रोडक्शन करते हैं, चीज का प्रोडक्शन। ठीक है ठीक है, चलो यहां ध्यान देना अच्छे से। चलो सर, यू शुड नॉट सी कॉमर्स ऐसे ही है इन द वाई साइंस आफ्टर क्लास 10th वीडियो। अरे यार ठीक है ना, मेरे लिए तो कॉमर्स ऐसे ही है मेरे लिए 10th साइंस भी ऐसे ही है, मेरे लिए आर्ट्स भी ऐसे ही है, और एक बात से मेरे लिए सब अच्छे हैं। अब मैं क्या बोलूंगा क्योंकि मैं कॉमर्स पढ़ाता नहीं, मैं साइंस का टीचर हूँ, तो थोड़ा सा तो साइंस को बढ़ावा देने दो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कॉमर्स भी ठीक ठाक है, यू ऑल कैन डू बेस्ट इन द बेस्ट ना। तो ये बात आपको समझ रखनी है, सारे इन लोग का नाम एक बार तुम खुद से भी रीड कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये अरेबियन लोग नहीं, क्या अपने मेडिवल हिस्ट्री में बहुत से पुराने पुराने लोगों ने भी बहुत कुछ लिख के दिया, तो ये अरेबियन लोग जो हुआ करते थे इन्होंने भी अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। एल ब्रूनी ने विविध ज्ञान संख्या मध्य भारतीयांनी केलेले कामगिरी आणि भारतातील समाज जीवन या संबंधी माहिती अरेबिक भाषेमध्ये दिलेला आहे, आणि पुढील काळात अनेक परदेशी इतिहासकारांनी भारत विषयी माहिती देणार ग्रंथ लिहिले, त्यातील यहाँ पे लिखा हुआ है त्यातील हसन निजामी लिखित ताजुल मासिर, मिन्हाजी सिराज लिखित तबाकत ई नासिरी, अमीर खुसरो याचे विपुल लेखन, तुझुकी तिमोरी हे तैमूर रंग, तैमूर तैमूर आ गया भाई चलो भाई अच्छी बात है, तैमूर याचे आत्मचरित या बिन अहमद सर हिंदी लिखित तारीख है मुबारक शाही, ए उर्दू माला ये इतना है, बाय बाय टाटा नेक्स्ट टॉपिक ला चला। ठीक है आगे बढ़ा, इकड़े बगुनिया अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, सिर्फ ग्रामर के लिए ओमकार कुलकर्णी देखता हूं मैं, बट संस्कृत में नहीं लूंगा, चाहे कुछ भी करो मेरे पास टाइम की बहुत कमी है। ठीक है, मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, और ट्वेल्थ की आईटी के लिए भी मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं ट्वेल्थ की आईटी भी डेफिनेटली लेता, बट मेरे पास टाइम का बहुत इशू है। और हाँ, इंग्लिश और हिंदी मैथमेटिक्स में चालू करूंगा, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में चालू कर दूंगा, बट बाकी का टाइम नहीं है। और तेजस मोर्द के कल सुबह 9 AM को आना, तो तुमको ग्रुप में ले लिया जाएगा। चलो आगे निकलते हैं, देखो प्लीज लिसन केयरफुल यार, डिटेल में बता रहा हूँ तो उसको थोड़ा समझ लो। इन द मेडिवल इंडिया द हिस्टोरियन इन द कोर्ट ऑफ मुस्लिम रूलर्स वेर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्सियन हिस्टोरियोग्राफी, अमंग देम जियाउद्दीन बरानी होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन तारीख, ये उर्दू बहुत खतरनाक चीज है ना, तारीख ई फिरुज शाही, ए बुक रिटन बाय हिम, ही हैज स्टेटेड द पर्पस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, बहुत अच्छी बात है इन्होंने कही। सुनो ध्यान से, मिडिवल इंडिया के टाइम पे क्या था, मराठी वाले भी देख लो, मध्ययुगीन भारतामध्ये मुस्लिम राज्य कर्त्यांच्या दरबारातील इतिहासकारांच्या लेखनावर अरबी आणि फारसी इतिहास लेखनाच्या परंपरेचा प्रभाव असलेला दिसतो। मध्ययुगीन मुस्लिम इतिहासकारांमध्ये जियाउद्दीन बरनी हा एक महत्त्वाचा इतिहासकार होता। तारीख है फिरुज शाही या त्याच्या ग्रंथात त्याने इतिहास लेखनाचा हेतु स्पष्ट केला आहे, हेतु म्हणजे उसका कॉन्सेप्ट बताया है। अब जरा समझना, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि मेडिवल जो हिस्ट्री है अपने इंडिया की, ये किसी हिंदुइज्म की नहीं है, ना ही किसी ब्रिटिशर्स की है, ये टोटली मुगल से रिलेटेड है। जितने भी मुगल्स, मुगल साम्राज्य था पूरे भारत देश में, मुगल्स ने आफ्टर पृथ्वीराज चौहान उनको हराने के बाद मुगल्स ने पूरे इंडिया में कब्जा कर लिया था, पूरे इंडिया में नहीं, आधे इंडिया में। अभी आगे हम लोग राडा करेंगे, टेंशन मत लो, मराठा साम्राज्य उगेगा, अभी मुगल्स को हराया जाएगा, थोड़ी हिस्ट्री रुको, बड़ा मजा आने वाला है। तो मुगल साम्राज्य ने यहाँ पर 700 के बाद मुगल्स लोग आना चालू कर दिए थे, एंड देन पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली से हार गए तो उसके बाद पूरे इंडिया में मुगल साम्राज्य आ गया, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो उनके टाइम पे हमको किसी की फाइटिंग पे फोकस नहीं करना, हमको फोकस करना है हिस्टोरियोग्राफी पे। तो उन मुगल के टाइम पे कौन ऐसा बंदा था जो हिस्ट्री को लिखता था, कौन बंदा था जो हिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से बताता था, तो वो बंदा है जियाउद्दीन बरानी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है तारीख फिरुज शाही, और इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत से मुस्लिम परंपरा एंड बहुत सी और भी जो अदर तरीके के कल्चर होते हैं उनको उस बुक में उन्होंने समझाया, इस बात को आपको समझ के रखना है। आगे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू हिम, अब इन्होंने बुक में क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू हिम The historian's duty is not limited only in the recording of the ruler's valor and policies of welfare,
बट ही शुड ऑल्सो राइट अबाउट द रूलर्स फेलिंग एंड इनकरेक्ट पॉलिसीज. परफेक्ट पॉइंट, बहुत अच्छा इन्होंने कहा. देखो पहले के जमाने में क्या होता था कि सिर्फ राजा की बड़ाई करो, है ना, मतलब राजा की बड़ाई करोगे तो राजा आपको कुछ खाना भी ना देगा, उसकी थोड़ी सी नहीं का? उसको थोड़ा डिस्क्राइब करो, अच्छा अच्छा बोलो उसके बारे में तो राजा खुश होगा. ये सब गलत बात है. हिस्टोरियंस को ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि सब उसकी अच्छी अच्छी बातें लिखो. हिस्टोरियन को यह भी लिखना चाहिए कि जो किंग है वो कहां फेल हुआ, उसकी रॉन्ग पॉलिसीज किधर थी. ये सब कुछ भी हिस्टोरियन को लिख के देना चाहिए हिस्टोरियोग्राफी में. इस बात को आपको समझ के रखना अच्छे से, ठीक है. अथर्व सालवे बार बार बोल के कोई फायदा ही नहीं है, टेंशन कसा लगे तो तुम्हें. और मैं आपको बता दूं कि कल सुबह 9 बजे लेक्चर होगा साइंस का, उसमें आ जाना. मैं समझ सकता हूं कि तुम्हारे स्कूल चालू होंगे, लेकिन सिर्फ 2 दिन की बात है. अक्टूबर में नया टाइम टेबल दूंगा जिसको शाम को रखूंगा पूरे लेक्चर्स, तो टेंशन कसा लग जाए. चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं. बरानी फर्दर शेज दैट द हिस्टोरियन शुड ऑल्सो टेक इन टू कंसिडरेशन द इम्पैक्ट ऑफ द टीचिंग ऑफ द वाइस द लर्न एंड द सेंट्स ऑन द कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल. दस बरानी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. वाओ, देखो बरानी ने ये कहा अपनी बुक के अंदर कि सिर्फ यार ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो, राजा महाराजा लोग की बड़ाई करो, जो रूलर है उनका अच्छा अच्छा लिखो उनके बारे में. एक बुद्धिमान इंसान उस राज्य में जो रहता था, जैसे अकबर के टाइम पे बीरबल था, तो बीरबल की आज दुनिया, बीरबल एक्चुअली हम लोग की विलेज साइड से है, बताइएगा, हमारे एमपी के थे तो बीरबल थे, तो उनके कितने कितनी बड़ी उनकी अच्छाई बारे में लिखो, बुद्धिमान इंसानों के बारे में भी लिखो. सिर्फ राजा महाराजा हिस्ट्री में थे क्या? सिर्फ बुद्धिमान लोग नहीं थे जिनको नॉलेज हुआ करता था, वो नहीं थे क्या? जो कल्चरल लाइफ, जो बहुत बड़े साधु महात्मा जो योग विद्या करते थे, क्या वो लोग नहीं है? तो वो सब लोग भी है ना, तो उनके बारे में भी लिखो. ये सब कुछ बरानी ने बताया, जो कि बहुत अच्छी बात है ना यार, कितनी अच्छी बात है. चलो इस बात को आपको समझ के रखना अच्छे से. चलो आगे बढ़ते हैं. अभी फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट प्रेजिंग द एम्परर्स एंड एग्जीबिशन ऑफ द लॉयल्टी बिकेम मोर इंपॉर्टेंट. द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटिफुल पिक्चर्स वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड. मराठी मध्ये, मराठी के बच्चे देख लो, मुगल बादशहांच्या दरबारातील इतिहासकारांच्या लेखनात राज्यकर्त्यांची स्तुती आणि त्याच्याबद्दलची निष्ठा या पैलूना विशेष महत्व प्राप्त झाले. त्याखेरीज त्याच्या वर्णनात समर्पक पद्य उतारे आणि सुंदर चित्रांचा अंतर्भाव करण्याची पद्धती सुरू झालेली दिसते. मतलब उस टाइम पे जो मुगल लोग थे, इन्होंने पूरा राज्य में सिस्टम यहाँ पे कर लिया था, तो उन्हीं की चलती थी, तो कोई भी आता ना तो उनको उन्हीं का सब लोग गुणगान करते थे. मतलब यही सब कुछ है भाई, उसी की स्तुति करते रहो, उसी के बारे में ज्यादातर मतलब बोलो, उनकी वो भले बुरा है फिर भी अच्छा बोलो और उनका डायग्राम बनाओ उनका भाई, उनका फोटो वीडियो निकालो, तो उसको वो लोग अच्छा अच्छा सत्कार करते थे, पैसा वैसा देते थे. बाबर की बात करते, बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर रोट एन ऑटोबायोग्राफी. ए लो भाई मुंह मियां मिट्ठू ऐसे बनते. ऑटोबायोग्राफी, खुद की बायोग्राफी खुद के हाथों से लिख दिया बेचारे ने. हेलो भाई, गजब बेइज्जती है, सारे बायोग्राफर्स की गजब बेइज्जती. वेलकम पीयूष, कैसे हो? वेलकम वेलकम वेलकम. तो खुद की बायोग्राफी खुद से बाबर ने लिख डाली, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इनटाइटल्ड तुजुक ई बाबरी, ठीक है. इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैटल फॉट बाय हिम. मतलब बाबर ने जो बैटल जीते थे, लड़ाइयां जीती थी, उसके बारे में उसने खुद से डिस्क्राइब कर दिया खुद के बारे में. बाबर आल्सो रिकॉर्डेड हिज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ वेरियस रीजंस एंड सिटीज ट्रेवल्ड बाय हिम इंक्लूडिंग द लोकल इकोनॉमी कस्टम्स एंड द फ्लोरा. मतलब कि जो प्लांट्स से प्लांट जंगल वंगल के बारे में, कस्टम्स लोग कैसे रहते हैं, लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, और किस तरीके से बाबर ने इंडिया के फाइट, इंडिया में जो भी राजा थे उनसे फाइटिंग करके विन किया, वो जीत गया पूरे जंग को, तो उसके बारे में इसने बहुत सारी चीजें खुद से लिख दी अपने बारे में पूरी बुक में, समझा. इस बात को यहां पे बताया जाता है, मतलब कि खुद ही सबके बारे में, अपने बारे में खुद ही लिख डाला बुक में. जय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आदमी कोई नहीं मिला लिखने के लिए, खुद ही लिख दिया. वो रहता है ना अभी, जान दो क्या बोलेंगे. तो अबुल फजल अकबरनामा इज वेरी, हाँ ये सबसे अच्छा है, अबुल फजल अकबरनामा इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरियोग्राफी. His method of collecting authentic historical document and their scrutiny is looked upon as a devoid of bias and hence realistic. इसके बारे में समझो, एक अबुल फजल नाम के आदमी थे जो अकबरनामा नाम की एक बुक लिखे थे. ये बुक खुद बताती है कि अकबर के बारे में इसमें लिखा गया है. अकबर जो 1500 के टाइम पे जब भी थे,
तो उस टाइम पे अकबर के बारे में सारी चीजें लिखी गई थी। ये बहुत ही अच्छी बुक मानी जाती है जिसमें बहुत सी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है अबाउट अकबर का साम्राज्य, वहां लोग कैसे रहते थे, वहां की इकोनॉमिक कंडीशन एंड मेनी थिंग्स। तो ये बात आपको समझ के रखनी, यही यहां लिखा हुआ है कि इतिहास लिखना चाह चिकित्सक पद्धति कहां गया भाई, हाँ, इतिहास लिखना चाह चिकित्सक पद्धति चा दृष्टि ने अबुल फजल या ने ले लेला अकबर नामा या ग्रंथाने या ग्रंथाचे विशेष महत्व आहे। अधिकृत नोंदीचा आधारे ऐतिहासिक कागदपत्रांचे काळजी पूर्वक केलेले संकलन आणि त्यातील माहितीचा विशेष शाहरतेची कसून केलेली छाननी ही अबुल फजल ने अवलंबलेली आहे। अरे भाई, संशोधन पद्धती पूर्वग्रह विरहित आणि वास्तववादी होती असे मानले जाते। मतलब कि जो भी इन्होंने लिखा था वो करेक्ट है, एंड करेक्ट, बहुत ज्यादा करेक्ट है। एक एक चीज को सोच समझ के लिखा गया था, उस टाइम की सिचुएशन कैसी थी, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कैसी भी कंडीशन हो, कस्टम्स हो, कुछ भी हो, रहने के तरीके, तौर तरीके, वहां के प्लांट्स एंड मेनी थिंग्स, जो भी हो, सब कुछ के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीजें बताई इस अकबरनामा नाम की बुक में। बहुत सी स्क्रूटनी, मतलब होता है छानबीन करना, इन सब के बारे में पता करके बहुत कुछ इन्होंने डिस्कवर किया। अब आगे बढ़ते बखार, इसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा कमेंट देख लो। या इट्स ओके, कोई नहीं बाबा, कोई नहीं, इट्स ओके, चलता है। क्या बात है ज्ञानेश्वरी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इंग्लिश के लिए अथर्व में कुछ करता हूं, टेंशन मत लो। श्रेयांश होता है यार चलता है, कोई इशू नहीं। चलो अब यहां देखो, सारे के सारे यहां फोकस करो। 2.0 ठीक है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर भी आ जाएगा भैया बड़े। ओ हो, थैंक यू सो मच तेजस्विनी। ओके पूजा, यस ग्रेट, एंड आई लवर, वेलकम वेलकम अभी, तानवी वेलकम, सुखदेव हाउ आर यू, मोमिन, अनिल कैसे हो, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। तो ये बात आप सबको समझ रखनी है। अब बखार के बारे में जानते हैं। बखार इज एन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ अ मेडिएवल टाइम्स। मतलब बखार एक पुराने जमाने का, जो मेडिएवल टाइम्स है, 700 से लेके 1500 तक के बीच का, एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है। इट कंटेन्स यूलॉजीज ऑफ हीरोज एंड हिस्टोरीज ऑफ हिस्टोरिक इवेंट्स, बैटल्स, लाइव्स ऑफ ग्रेट मैन। मतलब इसमें सबसे बड़े बड़े लोग, जो बैटल्स इवेंट हुए थे, लड़ाई झगड़ा, बड़े बड़े हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी घटनाएं जो भी हुई थी, ये सभी का पूरा सिस्टम एक बखार नाम की बुक में लिख दिया गया था। ये सबसे बड़ा मेडिवल हिस्ट्री का मेन चीज मानी जाती है। अब बात करते हैं मराठी बखार की। मराठी बखारास आर वेरियस टाइप्स, जैसे कि सभासद बखार, वाज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सुभाषद ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजा राम महाराज। इट इज एन इंपॉर्टेंट बखार फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। वाओ, मराठी मध्ये पण ऐकून घ्या, मराठी भाषेत विविध प्रकारच्या बखरी उपलब्ध आहेत, यातील एक महत्त्वाची बखर सभासद बखर होय। छत्रपती राजाराम महाराजांच्या कारकिर्दीत कृष्णाजी अनंत सभासद यांनी सदर बखर लेली। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीची महती यातून मिळते। मतलब की एक सिंपल सी बात है, बखर मतलब क्या होता है समझ गया ना, जिसमें हम हिस्ट्री के बारे में, जो ग्रेट ग्रेट इंसान हुआ करते थे, जो बड़े बड़े बैटल्स हुआ करती थी, लड़ाई झगड़े, युद्ध, ठीक है, जो हुआ करते थे, जो उस टाइम पे बड़े बड़े कुछ इवेंट घटनाएं हुआ करती थी, उनके बारे में बखार, मराठी में बखरी बोलते हैं, इन किताबों में लिखा जाता था। तो मराठी में किसने लिखी बखरी, तो वो जो बखार किसने लिखी, वो कृष्णा जी अनंत सुभाषद ने लिखी, ठीक। और इन्होंने उसमें क्या बताया, जो छत्रपति थे उस टाइम के, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे वो राजा राम महाराज हो, कोई भी रहे, उनके बारे में ग्रेट ग्रेट चीजें लिखी गई, उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भाऊ साहेबांची बखार, ये दूसरी बखार है, पहली बखार कृष्णा जी की थी, दूसरा भाऊ साहेबांची, डिस्क्राइब्स द बैटल ऑफ पानीपत, क्या बात है। अनदर बखार इंटाइटल्ड पानीपताची बखार इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट। अब जैसे कि मान लो कोई भी एक बहुत बड़ा इंसान है, तो उसके बारे में लिखना है, तो उस जिस किताब में लिखोगे उसको कहेंगे बखार, ठीक। मैंने क्या बोला, इस बात को आप सबको समझ के रखना है।
तो बखार क्या है, क्लियर है ना? मतलब कि किसी भी बुक में अगर तुम लिखना चाहते हो कुछ भी, किसी इंसान के बारे में कुछ बताना चाहते हो, तो वो बखार कहलाएगा। ठीक है, तो अगर पानीपत जो एक युद्ध था, नहीं क्या पानीपत का फर्स्ट वॉर सेकेंड वॉर ऐसे हुआ था ना, तो अगर ये जो वॉर थे यानी युद्ध थे पानीपत के, अगर इन युद्ध के बारे में अगर तुम कुछ लिखना चाहोगे तो उसे हम कहेंगे बखार, कि तुम बखार में लिख रहे हो, जिसमें लिखा है वो बखार है। ऐसे देखो यहाँ पे सारे बखार के बारे में बताए गए, वही बायोग्राफी ऑफ द किंग्स, डिनेस्टिकल उनके वंशज के बारे में, किसी लोकल। एक कहते हैं ना बात, दुनिया में एक बात ध्यान रखना, मेरे सर ने बताया था, जिंदगी में दो लोगों का नाम होता है, जो या तो सबसे टॉप में है और या तो जो सबसे गंदा है। याद रखना, नाम उसी का लिया जाता है या तो जो भगवान है और या तो जो भूत है राक्षस है, दो लोग का ही नाम दुनिया जानती है। बट नाम जानने में भी फर्क है, अगर कुछ अच्छा है, कोई भगवान है, तो उसका भगवान के रूप में नाम जाना जाता है और एक का राक्षस के रूप में जाना जाता है। दो में से जो भगवान है उसके जैसा सब बनना चाहते हैं, बट जो बुरा है उसके जैसा कोई नहीं बनना चाहता, बट नाम दोनों का लोग जानते हैं। इस बात को समझ के रखना ऑलवेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बात को हमेशा समझ के रखना। और यही चीज मैं जब से देखते आ रहा हूं कि पूरी हमारी हिस्ट्री में किसी लोकल इंसान का नाम नहीं है, इतिहास में उसी का नाम आया है जो सबसे ग्रेट इंसान है, जिसने कुछ कर दिखाया है, हिस्ट्री में सिर्फ उसी का नाम आया है, किसी लोकल इंसान का नाम नहीं आया। उस टाइम पे भी लोकल इंसान थे जो घर में बैठ के चुपचाप बस ऐसे बैठे रहते थे, कुछ नहीं करते थे, उन लोग का नाम कभी नहीं आया, सिर्फ उसी का नाम आया जो सबसे बेस्ट था, जो कुछ कर दिखाया। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक, कुछ कर दिखाओगे तो हिस्ट्री में नाम आएगा। अब बात करते हैं हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड, क्या बात है। अब हम नए जमाने की हिस्ट्री देखेंगे। ब्रिटिशर्स के टाइम भी इतना कुछ नहीं था, ब्रिटिशर्स लोग ने हिस्ट्री लिखने का टाइम ही नहीं दिया, लूटने में लगे थे हमारे यहाँ के सोना चांदी को, पूरा गोल्ड लूट लूट के लेके चले गए, तो वो लोग सिर्फ हमको लूटने में लगे थे, वो क्या इतिहास लिखेंगे, पोंगे पंडित। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड, इसकी बात करते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो अच्छे से, यस यस अनुज ताड़ा भी दे दूंगा यार, इंग्लिश राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव करें, अनिल घोड़ा के मैं एक बताऊंगा, इंग्लिश के लिए मैं टीचर अपॉइंट करूंगा जो कि तुम लोग को लेक्चर्स लेंगे, एंड रियली बहुत मजा आएगा, तुम सारे बच्चों का सपोर्ट रहे बस, तो इंग्लिश भी दे दूंगा, मराठी का और हिंदी का सेशन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है बस। मैं ला दिया टीचर्स और सपोर्ट ही नहीं करोगे तो मैं फिर समझ जाओ अभी, तो कैसे लूंगा फिर मैं। ठीक है चलो, तो अभी यस 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 यस, तो अभी हम लोग चालू करते हैं हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड, न्यू इंडियन एरा फैन क्लब। ओ हो, राहुल और प्रिया हाँ वो हमारे एक इमेजिनरी करेक्टर हैं हमारे सेशन के, है ना। आज बर्थडे है श्रेयांश पांडे का, आज बर्थडे है, वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते यार, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे, तो गया ना, एंजॉय योर इवनिंग एंड गॉड ब्लेस यू, हैप्पीएस्ट बर्थडे अगेन। नाउ आगे बढ़ते हैं, हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड इन द 20th सेंचुरी। अब मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं, एंशियंट की बात 700 तक थी, 700 के बाद 1500 या ब्रिटिशर्स के टाइम तक की पूरी की पूरी मॉडर्निस्ट मेडिवल थी। अब मॉडर्न की बात करेंगे, हिस्ट्री तीन टाइप में डिवाइडेड है, तो हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड 20th सेंचुरी द इंडियन आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन, मतलब आर्कियोलॉजी मींस पुराने जमाने की स्टडी करना, एंड रिसर्च स्टार्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल, क्या बात है। तो ब्रिटिश रूल के टाइम पे बहुत सारी चीजें रिसर्च वगैरह स्टार्ट हो गई, ए नंबर ऑफ एंशियंट साइट वेयर एक्सकवेटेड अंडर द सुपरविजन ऑफ सर बोलेंगे इनको, अलेक्जेंडर कनिंगम। चलो यहां ध्यान दो अद्रम बद्रम, देखो तो जो भी अलेक्जेंडर कनिंगम थे इनके सुपरविजन में, सुपरविजन क्या करेंगे उस टाइम पे, अभी क्या ही, तो उनके सुपरविजन में ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे, तो इनके टाइम पे, यहां पे जरा ध्यान दो, हिस्ट्री को लिखने के लिए हिस्ट्री की छानबीन करना चालू हुई, तब टेक्नोलॉजी भी थोड़ी थोड़ी आ रही थी, इसीलिए द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया के बारे में जानने के लिए अलेक्जेंडर कनिंगम, इन्होंने, ये पहले डायरेक्टर जनरल थे इंडिया के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, आर्कियोलॉजी मीन्स जो पुराने पुराने चीजों की छानबीन करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं, उनके बारे में पता करते हैं। ही चूज मेनली द साइट्स मेंशन इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर दिस पर्पस,
जो बुद्धिस्ट नहीं कि बुद्धिज्म था वहां की, जैसे कि नॉर्थ नॉर्थ साइड वाला पूरा पार्ट यूपी एंड बिहार का। देन हरप्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जोहान मार्शल। बिकॉज ऑफ दिस डिस्कवरी द एंटीक्विटी ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कुड बी ट्रेस्ड ऑन द 3rd millennium BCE और इवन अर्लियर। OMG, मतलब जो ये जॉन मार्शल था, इन्होंने बहुत कुछ रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद हरप्पन सिविलाइजेशन के बारे में इसी टाइम पे हमें पता चला था। सोचो, मतलब हरप्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे हमें इसी चीजों के बारे में मालूम पड़ा था। और जो भारत देश की एंटीक्विटी, एंटीक्विटी मीन्स प्राचीनता, प्राचीन मीन्स पुरानी चीजें, जो सबसे पुरातत्व यानी पुरानी सी पुरानी चीजें जो थी वो हमें पता चली, दैट इज हरप्पन सिविलाइजेशन, अ वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन। और वो आज से करीबन 3rd millennium में बीसीई के बिफोर, मतलब जब जीसस, बीसीई मतलब पता है ना, बीसीई मतलब बिफोर कॉमन एरा। देन व्हाट इज कॉमन एरा? कॉमन एरा तब से, एरा मींस टाइम, कॉमन एरा तब से चालू होता है जिस दिन जीसस का जन्म हुआ था। बट इसका मतलब तो ये नहीं कि जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके पहले कुछ डे नहीं होते थे, उसके पहले भी अपने इंडिया में बहुत से लोग थे, तो उसके पहले भी 3rd millennium में, यानी कि 3000 साल पहले, और अगर आज से काउंट किया जाए तो 5000 साल पहले, 2000 साल तो यही हो गया, और जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ उसके और 3000 साल पहले, तो 3rd millennium उसे कहा जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना है, बीसी और इवन अर्लियर, इस बात को ध्यान देना। वही मराठी में भी लिखा है कि आधुनिक कालातील इतिहास लेखन ब्रिटिश इतिहासकार विसाव्या सत्कात ब्रिटिशांचा राजवटीत भारतीय पुरातत्व अभ्यास शुरुआत के लिए है। वही सेम चीज लिखी हुई है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इनका नाम देख लो, अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये दूसरे हैं जॉन मार्शल, इन लोगों के बारे में जान लो तुम लोग। ठीक है, तो यहां पे आपको इनके बारे में समझ के रखना है। तो मेनी ब्रिटिशर्स, मेनी ब्रिटिश ऑफिशियल इन इंडिया रॉट इंडियन हिस्ट्री, देयर राइटिंग डिस्प्ले अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। ये दोनों बहुत ही बड़े हिस्टोरियन थे जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, इनके बारे में ज्यादा पढ़ के कुछ फायदा नहीं। अब यहां देखो, जेम्स मिल के बारे में जानते हैं, यहां देखो नया भारत का टाइम, यस परफेक्टली, इसका मतलब एकदम नया भारत का टाइम। आगे बढ़ते हैं, अब देखो इसको थोड़ा पढ़ूंगा ध्यान से, 3 volumes ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इंडिया रिटन बाय जेम्स मिल वेयर पब्लिश्ड इन द 1817। एक किताब थी, एक जेम्स मिल नाम के एक आदमी थे ब्रिटिश इंडिया में, जो नया भारत था। तो द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एक किताब लिखी गई, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब जब अंग्रेजों का रूल हमारे देश में हो गया तो अब हमारा इंडिया तो हुआ ही नहीं, वो ब्रिटिशों का इंडिया माना जाने लगा उस टाइम पे। तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एक किताब लिखी गई 1817 में। दिस वॉज द फर्स्ट बुक ऑफ इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन, पहली ऐसी किताब जिसको ब्रिटिश हिस्टोरियन ने लिखी थी। इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रीजुडाइस अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। अब ऑब्वियस ही बात है, हमारे भारत देश की किसी इंसान ने लिखी नहीं है, इन चोरकट लोग ने लिखा है, तो अभी ये लोग क्या करेंगे, ये हमारे बारे में थोड़ी कुछ अच्छा अच्छा बताएंगे, अपने बारे में ठोक रहे थे कि हमने ये किया वो किया, नट हम तो मानते ही नहीं। ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन गवर्नर ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई वॉज पब्लिश इन 1841। क्या खतरनाक है यार ये। तो जो भी ये बंदा है एल्फिंस्टन नाम का, इसने एक बुक लिखी थी द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और वो उस टाइम पे बॉम्बे का गवर्नर था, मुंबई का गवर्नर 1841 में। द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री, ग्रैंड डफ्स नेम स्टैंड आउट अमंग द ब्रिटिश ऑफिसर्स हु रॉट अबाउट मराठा। तो ग्रैंड डफ नाम का एक ब्रिटिशर्स था, उसने मराठा साम्राज्य के बारे में लिखा, और दुर्भाग्य है कि ऑब्वियस सी बात है वो उन अच्छी चीजों को बिल्कुल नहीं लिखेगा जैसा सच में मराठा साम्राज्य की पावर थी, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स हमारा थोड़ी भला चाहते थे, कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन सांप जो होता है वो कितना भी उसको दूध पिला दो डंक जरूर मारेगा। ठीक है, he wrote the book entitled A History of Marathas. This book is published in the 3 volumes. Grant Duff's writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history. देखो हिस्ट्री सीधे कहती है, कंडेमन करना मतलब किसी की निंदा करना, किसी की बुराई करना, किसी के बारे में अच्छाई ना बताना, कोई अच्छा है उसके बारे में फिर भी बुरा बताना, उसे कहते हैं कंडेमन। ठीक है, तो ये बात थी।
तो ग्रैंड डब्स ने क्या किया, मराठा साम्राज्य को थोड़ा कंडेम्न भी किया, उनकी निंदा की, उनके बारे में खराब खराब लिखा और अपने बारे में कुछ अच्छा लिख दिया। चोरकट तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, पहले चूजे जैसा दिखता है, भारत देश के बारे में लिख रहा था आंडू पांडू, तो इस टाइम पे जिंदा होता ना स्टोव के ऊपर रख देता इसको मैं, ऐसा लिखता है कुछ भी, काश ये मेरे को मिल जाता। ए भाई आना मत, भूत भीत बन के तू दूर रहे, ठीक है चलो यहाँ देखो अभी। सिमिलरली टेंडेंसी इज विटनेस्ड इन कर्नल टॉट्स राइटिंग अबाउट राजस्थान हिस्ट्री। इन लोग को किसने बोला इतिहास लिखने को, हम लोग ने बोला क्या कि हमारे भारत का इतिहास लिखो, कूद के चले आते हैं इतिहास लिखने, कुछ भी ये लोग मैंने बोला इन लोग को हिस्ट्री लिखने को, हमारे भारत का इतिहास लिख डाला बुढ़बक। चलो कोई नहीं, ऐसे ही मराठी में भी लिखा हुआ इसको पढ़ लेना, आगे बढ़ते हैं। विल्सन हंटर ऑन इंडियन हिस्ट्री शोज अ समवट इंपार्शियल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े वेर टू इंडियन हिस्टोरियंस हु टूक अपॉन द टास्क ऑफ एक्सपोजिंग द लिमिटेशन ऑफ ग्रैंड डफ्ट राइटिंग। मतलब ये ग्रैंड डफ्ट था, इसने बहुत ही गंदा गंदा लिख डाला यार, मतलब हम लोग के बारे में, हमारे मराठा साम्राज्य के बारे में कुछ भी लिख दिया। अब जो लिखेगा तो ये बड़े लोग थे तो यही बुक को छापेंगे ना, तो वही बुक सब लोग पढ़ेंगे, सबको लगेगा भाई ऐसा ही है। अब आज जो तुमको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा तुमको वही लगेगा ना, पढ़ाफा थोड़ी होता है, ठीक है। तो वही था कि भाई इन लोग ने फिर जो हमारे नीलकंठ जनार्दन विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े इन लोग ने अच्छी अच्छी चीजें लिखी, उसको सुधारा कि भाई ये गलत है, सही सही लिखा। तो ये बात आपको समझ के रखनी है, ठीक है। चलो अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स जो अब शुरुआत होने जा रही है, ठीक है। श्रियांश पांडे कह रहे हैं कि सर मेरा मैथ और मराठी बहुत ही वीक है। मैथ्स और मराठी ना, तो मैथमेटिक्स को तो मैं तुम्हारा स्ट्रांग कर दूंगा, मराठी लैंग्वेज को रोज रीड करो तो ही हो पाएगी, बिकॉज लैंग्वेज ऐसी चीज होती है अगर तुम उसको पढ़ते नहीं हो तो वो फिर तुम्हारे को प्रॉब्लम देगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम पढ़ते हो तो कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक, इस बात को समझ के रखना। चलिए अब हम पढ़ेंगे इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, वाओ, वेरियस आइडियोलॉजीज ऑफ फ्रेमवर्क। चलो मस्त, भारतीय इतिहास लेखन विविध तात्विक प्रणाली, मतलब कि बहुत सी ऐसी खतरनाक खतरनाक आइडियोलॉजी, और वो भी इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, मतलब भारत देश की जो इतिहास है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। चलो शुभम वाईटी वेलकम, हाउ आर यू। तो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, नहीं क्या अभी बाहर देश के ब्रिटिश लोग आए थे, हमारे भारत देश में कॉलोनी बना ली फिर राज्य करने लगे। तो आगे बढ़ते हैं। द अर्ली स्कॉलर्स हु स्टडीड एंड रॉट इंडियन हिस्ट्री वे आर मेनली ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। नहीं क्या जो शुरू जब कॉलोनियल हिस्ट्री थी, मतलब कि कॉलोनी राज्य था, कॉलोनी वाली का वसाहतवादी इतिहास लेखन, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और गुलाम बनाया, और इन्होंने जो भी हिस्ट्री उस टाइम पे लिखी, तो उस टाइम पे कौन लिखता हिस्ट्री, जो ब्रिटिश के ऑफिसर थे वही लिखेंगे ना, तो वो लोग अपने बारे में तो बेस्ट बताएंगे और दूसरों के बारे में बुरा बताएंगे, तो सिंपल सी बात है, हर इंसान अपने देश के बारे में अच्छा ही बोलता है, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने प्रिजुडाइज क्लियरली रिफ्लेक्टेड इन द वे some of them have ridiculed Indian culture, their writings were used to justify the colonial British rule, the five volumes of the Cambridge History of India published during 1922 to 1937 CE are distinct example of colonial historiography। मतलब एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम था the five volumes of Cambridge History of India, मतलब कि वहां पे एक किताब छापी गई थी 1922 में कॉमन एरा में, तो उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी यार जो इंडियन कल्चर के बारे में कुछ भी लिख दिया था, अपने आप को इन्होंने बहुत बढ़िया बताया है ना, और अपने क्रिश्चियन धर्म का बहुत प्रसार प्रचार किया, वरना अपने भारत देश में थोड़ी क्रिश्चियनिटी थी पहले, नहीं थी ना, जब से ये लोग ब्रिटिशर्स आए तभी से क्रिश्चियनिटी अपने इंडिया में आई, आज से 1500 साल पहले कोई क्रिश्चियन थे क्या इंडिया में, नहीं, जो सच्चाई है वही है, इन लोग ने अपने धर्म का प्रचार किया, ये अच्छी बात है, अपने धर्म का प्रचार करो ना करो अपने क्या करना है, बट जो मेन चीज है अगर कोई इतिहास लिखता है तो हिस्ट्री में जो सच्चाई है वो लिखना चाहिए। इन्होंने अपने रिलीजन अपने बारे में ज्यादा अच्छा बताया और हमारे इंडियन हम लोग को इन्होंने डिप्रेस किया, हम लोग को सप्रेस कर दिया, हमने हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो ये क्या अच्छी बात थोड़ी होती है, तो गलत है, तुम इतिहास लिख के भी तुम बुरे बन गए, कोई बात नहीं। चलो आगे निकलते। ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी प्राच्यवादी इतिहास लेखन, मतलब कि एक प्रॉपर तरीके से जो सिस्टम हुआ करता था, नहीं क्या, अब ओरिएंटलिस्ट किसे कहते हैं, चलो मैं बताता हूं कि मैनी यूरोपियन स्कॉलर्स
felt curious about civilization and countries of the East. Some of those scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as Orientalists. वो कहते हैं ना कि जैसे अगर तुम कुछ कर दो, तुम सोचो कि यार यार मैंने ये कर दिया, अरे बाप रे मैंने वो कर दिया, ये क्या हो गया, अरे भाई ए भाई ये क्या हो गया, ये तो जूम हो गया यार, ओ मैं जूम करना भी जान गया, मेरे को अभी तक नहीं आता था, वाओ वाओ क्या बात है, देखो गाइस मैं अभी जूम भी कर सकता हूँ वाह क्या बात है, अरे अभी सीख गया भाई चलो कोई नहीं, अरे भाई लोग देख लो भाई, मैं जूम कर सकता हूँ इसको और मैं इसको जूम आउट भी कर सकता हूँ, बहुत बात है, बहुत अच्छा लगा, क्या बात है अभी मालूम पड़ा यार चलो तो मतलब जो खुद के बारे में लिखता है कि मैंने ये किया वो किया उसे ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, यानी युरोप मध्ये अभ्यास का मध्ये पूर्वेकडील संस्कृत आणि देश याच्या बद्दल कुतूहल जागृत झालेले होते, त्याबद्दल आदर कौतुक असलेले काही अभ्यासक त्यांच्या मध्ये होते, त्यांनी प्राच्यवादी म्हटले जाते, जो खुद के बारे में प्रचार करते कि मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं मैं बहुत अच्छा हूं मैं बुरा नहीं हूं, ये वो जो बोलते भाई लोग उनको कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। द ओरिएंटलिस्ट स्टडीड द सिमिलैरिटीज बिटवीन संस्कृत एंड द सम ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेज, वाओ ये सबसे अच्छी बात है कि जो ओरिएंटलिस्ट थे इन्होंने अपने जो अपने भारत देश की संस्कृत लैंग्वेज है, संस्कृत लैंग्वेज और उनके यूरोपियन लैंग्वेज के बीच में बहुत सिमिलैरिटी देखी। अरे सिमिलैरिटी क्या, अपनी भारत देश की सबसे प्राचीन भाषा सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, जब दूसरी भाषाएं इस दुनिया में जन्म नहीं ली थी वो भाषाओं से पहले भाषा हमारी संस्कृत थी और हमें इसका प्राउड फील होता है, कोई बुराई नहीं इसमें। दे फोकस्ड मोर ऑन वैदिक ट्रेडिशन एंड संस्कृत लिटरेचर, क्या बात है भाई, तो अपने वैदिक ट्रेडिशन हमारे जो वेद पुराणों का ट्रेडिशन है उस पे और संस्कृत लिटरेचर पे ज्यादा फोकस किया। नोशन ऑफ एन एंशियंट लैंग्वेज एंड दैट कुड बी द मदर ऑफ ऑल इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, और यही वो लोग थे जिन्होंने बताया कि भारत देश ही नहीं जो इंडिया और यूरोप में जो भाषा है इन सबकी मदर जो लैंग्वेज है वो संस्कृत हो सकती है, ऐसा इन्होंने कह दिया। प्राच्यवादी अभ्यास का संस्कृत आणि युरोप भाषा मधील सांधर्म्याचा अभ्यास केला, वैदिक वाङ्मय आणि संस्कृत साहित्याचा अभ्यास करण्यावर प्राच्यवादी विद्वानांचा भर होता, त्यातून या भाषेची जननी असणारी एक प्राचीन इंडो युरोपियन भाषा होती अशी कल्पना मांडली गेली होती, ऐसी कल्पना की गई थी। ओके 1978-4 में सर विलियम जोन्स फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी इन कोलकाता, इट ओपन्ड द डोर्स फॉर रिसर्च इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो एक विलियम जोन थे जिन्होंने कोलकाता के अंदर एक सोसाइटी बनाई और उस सोसाइटी में यह था कि कोई भी आके और एंशिएंट इंडिया मतलब पुराने भारत देश के बारे में कोई भी लिख सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, उसके बारे में कोई भी बता सकता है, इस बात को समझ के रखना अच्छे से, ठीक है। बहुत से ऐसे साइंटिस्ट लोग आए। अभी आगे बढ़ते हैं, यहां देखो फ्रेडरिच म्यूलर की बात करते हैं। अमंग द ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर फ्रेडरिच मैक्स मुलर डिजर्व अ स्पेशल मेंशन, इन हिज ओपिनियन संस्कृत वाज द मोस्ट एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, वाओ। मतलब ये जो म्यूलर थे मैक्स म्यूलर, इन्होंने बोला कि भारत देश की या पूरे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, ये प्रूवन कर दिया भाई, प्रूफ कर दिया। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन संस्कृत लिटरेचर, ही फर्स्ट ट्रांसलेटेड द संस्कृत टेक्स्ट ऑफ हितोपदेश, मतलब एक हितोपदेश हमारे में एक टेक्स्ट है, यानी कि जिसे हम आई थिंक उपनिषद कहते हैं। तो जो उपनिषद है हमारे में पता है ना कितने हैं, 9 पुराण हैं, 4 वेद हैं और 108 उपनिषद हैं, ठीक है। जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये 4 वेद हमारे भारत देश में हैं। ऐसे 9 पुराण हैं जिसमें से बहुत से पुराण लाइक विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, ऐसे ही शिव महापुराण और ऐसे ही बहुत से महापुराण दुनिया में आते हैं। अपने भारत देश में आई थिंक 9 पुराण हैं और 108 उपनिषद अपने भारत देश में पाए जाते हैं। इनका नाम याद रख लो सभी के सभी बच्चे। मैं आप सबको बता दूं कि हमारे वेदों में किस तरीके का ज्ञान दुनिया में होता है, पूरी साइंस, पूरी कॉमर्स, पूरी आर्ट, सब कुछ लिखा गया है थ्रू द वर्शिपिंग ऑफ द गॉड। एंड उसके बाद पुराण में उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं
किस तरीके से लोगों की वर्शिपिंग की जाती है वो लिखा गया है भगवान लोग की। एंड 108 उपनिषद, इतनी मोटी मोटी बुक्स, 108 उपनिषद, इसमें जीवन जीने की कला यानी द आर्ट ऑफ लिविंग लाइफ इसके बारे में बताया गया है कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए एक इंसान को प्रॉपर, जिसमें तुम सक्सेसफुल भी हो जाओगे, कभी डिप्रेशन नहीं होगा, मैनी थिंग्स यार, वो सब 108 उपनिषद में बताया गया है। तो ये कितनी गर्व की बात है, कितनी बड़ी बात है, यू विल नॉट बिलीव कितनी बड़ी बात है, ठीक है, इस बात को आपको समझ के रखना अच्छे से, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना, ये मैंने आपको इंडिया के बारे में बता दिया, इसको जो मुझे पता था। He was the editor of 50 volumes of the sacred books of the East. He also compiled Rigved. हाँ भाई, ये क्या Rigved पढ़ेगा? ठीक है? तो इसने Rigved को compiled किया, which has been published in 6 volumes. He translated Rigved in German. ये बहुत अच्छी बात की। जो हमारा Rigved, आपको पता है? हमारे भारत देश में 4 वेद हैं। Rigved, Samved, Yajurved और last में Atharvved. ऐसे 4 वेद हमारे भारत देश में हैं। इन वेदों के नाम तक तुम नहीं जानते रहोगे, आज सुन लो, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। चारों वेदों के बारे में बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना। ऋग्वेद, जिसमें वेदों की ऋचाएं यानी किस तरीके से यज्ञ किया जाता है उसके बारे में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद को माना जाता है, जो आज से 5000 साल पहले भारत देश में लिखा गया था या बताया गया था, इस बात को समझ के रखना। सेकंड वाला है सामवेद, फिर अथर्ववेद और यजुर्वेद। मुझे यजुर्वेद के बारे में पता है, यजुर् मींस यज्ञ होता है, यज्ञ की ऋचाएं मींस जो नहीं क्या वो दोहा हुआ करते हैं, नहीं क्या ऐसा मंत्र पढ़ने का, वो सारे मंत्र वगैरह यजुर्वेद में लिखे होते हैं, ठीक है। ये बहुत सी चीजें हैं। तो इस मैक्स म्यूलर ने ऋग्वेदा को क्या किया, पब्लिश किया और उसको कन्वर्ट किया जर्मनी भाषा में, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात थी। लेटली एडवर्ड सेड, अ स्कॉलर हु हैज री इवेल्युएटेड द ओरिएंटलिस्ट राइटिंग has thrown light in imperialistic interest of orientalistic scholars. ये सबसे बड़ी important बात बताई गई, ठीक है, इसको आपको समझ के रखना अच्छे से, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा important है। geography भी जल्दी लूंगा तेजस मोड़ के, don't worry। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। nationalist scholarship, अब ये हमारा अगला topic है। अब इसमें हम अपने भारत देश के लोगों के बारे में जानेंगे, जैसे कि देखो वी के रजवाड़े, विनायक डी सावरकर, देन उसके बाद दामोदर कोशंबी, देन आफ्टर दैट महात्मा ज्योतिराव फुले, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फेमिनिस्ट हिस्ट्री में हम लोग ताराबाई शिंदे, एंड देन हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक। तो अभी हम लोग गाइस आगे से, ये भाई हट क्यों नहीं रहा, ये हट नहीं रहा भाई, छोड़ो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट वाले चैप्टर में, मतलब इसी चैप्टर का नेक्स्ट वाला पार्ट जो हम कल रात में पढ़ेंगे 7:45 को, हम लोग पूरे नेशनलिस्ट यानी कि हमारे भारत देश के लोगों ने, ये तो ब्रिटिशर्स लोग ने किया ना, अब ब्रिटिशर्स लोग ने हमारे भारत देश के बारे में कुछ भी लिख दिया रहेगा, वेदों को अब मान लो अच्छा अच्छा हमारी भागवत गीता में कुछ भी अच्छा अच्छा लिखा है तो उसको उन्होंने अपनी भाषा में कन्वर्ट करके उसमें बुरा लिख दिया रहेगा, तो सामने वाले लोगों को यही लगेगा ना कि ये तो ऐसा ही है। बट ऐसे थोड़ी होता है, वो तो हमारा ओपिनियन, हमारी थिंकिंग सब कुछ मैटर करती है ना। तो टेंशन मत लो गाइस, अभी हम लोग नेक्स्ट यानी कि कल 7:45 को डिटेल में पढ़ेंगे अपने इस चीज के बारे में और अच्छे से, ठीक है। तब तक के लिए बाय कहना पड़ेगा अभी, और डेफिनेटली स्टूडियो का टूर भी करवा दूंगा, स्टूडियो की टूर भी। भाई यार मैं इसमें कैसा तो दिख रहा हूँ कैसा दिख रहा हूँ भाई, पूरा चेंज हो गया, हालात बदल दिए भाई इसने, जज्बात बदल दिए, ठीक है ये तो फिल्टर कर दिया भाई इसने चलो कुछ नहीं, नोट्स वगैरह सेंड कर दूंगा, टेंशन मत लो वेंकटेश, सब कुछ अच्छा लगेगा, मजा आएगा, बस तुम सबका सपोर्ट चाहिए। जब स्कूल चालू हो जाएगी तब तो मैं और भी अच्छी अच्छी चीजें लेके आऊंगा, तो अभी तो स्कूल चालू नहीं हुई ना, तो अभी स्कूल चालू नहीं हुए, जब स्कूल चालू होगी, स्कूल अभी तुम्हारी 4 अक्टूबर से चालू हो जाएगी, तब तो मैं और भी अच्छी अच्छी चीजें तुम्हारे लिए ला के दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। अभी टाइम भी बदलूंगा, रात का टाइम रखूंगा, सुबह है अभी, कल 9 बजे लेक्चर रहेगा हमारा साइंस का, तो कल सुबह का लेक्चर ज्वाइन करो, बाद में हम देखेंगे, टाइम हम 2 से 3 दिन बाद चेंज कर देंगे, अभी के लिए तुम सब लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो यस ऑशम गेमर, बहुत बढ़िया, वेलकम मोमिन, वेलकम अनिल दुबे, सुप्रिया बहुत बढ़िया, आंचल, शिवर्णकला, मोमिन, ओम बड़ गुजर, शिव क्या लिखा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यस ग्रेट, बाय जाहिद,
बाय बाय, चलो टेक केयर गाइज, बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे ऐसे हम लोग किसी कल के 7:45 के सेशन में और सुबह 9 बजे, ठीक है, तो कल हम सुबह 9 बजे मिलेंगे, ठीक, चलिए अब चला जाए, ओके बाय बाय, टेक केयर, अभी कल मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।